Tu tera 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 dek. Tu tera dek. Tu tera dek. अरे भैया कैसन बा, मतलब ऐसी बात कैसे कर सकते हैं आप भैया जी है? उस दिन जो वो टीम जीती है ना, समझ रहे हो, वो किस्मत खराब थी धोनी की, चेन्नई की किस्मत खराब थी, वरना मैच को जीत सकता था चेन्नई से है? इतनी बढ़िया एकदम सॉलिड धोनी का डोला, धोनी कौन होनी बताइए। अच्छा, और जो इतनी अच्छी बॉलिंग करवाई एंड में, वो तेरे को नहीं दिखी? तेरे केदार यादव से तो बॉल नहीं टच करवाया गया बैट पे, तेरे धोनी तो आते ही चल लिया थोड़ी देर में ही, और तू बात कर रहा है। क्या हो गया भंडारी, सुबह किससे बहस कर रहा है ब्रो? अरे भैया बहुत बढ़िया लग रहे, पहले एक बार बोल दे, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हम आपको ब्रो, थैंक्स। हाँ, और हम भैया से बात कर रहे थे कि किस्मत जो होती है ना, वो बड़ा चीज होता है, बड़ा या तो बड़ी होती है या बड़ा होता है, समझे? तो ये जो किस्मत है, अब मुझे लगता है कि किस्मत थोड़ा सा धोनी का खराब है, जो उसने हार गए, मैं वही बात कर रहा था, है ना भाई? देख मतलब ये बात तो है कि किस्मत ना खराब है उनका, और किस्मत कोलकाता की अच्छी है कि वो इतनी आगे यू नो बढ़ गए, अहेड हो गए। वही 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 हम इनसे कह रहे थे। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म करे उस दिन, बॉलिंग टीम ने उनको रन बनाने से रोका है, इसीलिए जीत पाए हम। अच्छा, एक साइड बैंगलोर जैसी हमारी टीम है जो मतलब इतना अच्छा खेल रही है और फिर भी नहीं जीत रही, और एक साइड इनकी टीम है जो इतना पुअर परफॉर्म करके भी जीते जा रही है। अरे भैया जब किस्मत में हो पकौड़े तो कहाँ से मिलेंगे। अच्छा सॉरी, मैं क्या कह रहा था कि वो जो बेंगलुरु की टीम है ना भाई, जो बेंगलुरु की टीम है ना, उसकी किस्मत में पकौड़े नहीं लिखे हैं, किस्मत खराब है। नहीं तो दो तीन बार तो वो जीत चुकी होती है अब तक, इतना बढ़िया परफॉर्मर है उसमें, विराट कोहली है उसमें, और विराट कोहली के पास इतनी बड़ी पावर है, बताइए तब भी चीज पर किस्मत खराब है भैया। अरे किसकी बात कर रहा है भंडारी, बेंगलुरु की? अरे इनकी टीम की जीतने का तो छोड़, मेरे को तो लगता है प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पाएगी इनकी टीम। अरे भैया आप भी ना ज्यादा चपट चपट तो ना ही करो तो अच्छा है, समझे आप? एक्चुअली क्या है कि जब से वो गंभीर भाई साहब थे ना, गौतम गंभीर, जब से वो छोड़ के गए हैं भैया, उसके बाद आपकी टीम देखिए कहाँ सड़क सड़क के चल रही है, ऐसे जैसे साड़ी पहन के लगन में कोई दुल्हन चला रहे हो, ऐसा लगता है हमें। हाँ, और नहीं तो क्या, हमारे कोहली को देखो ना कितने फॉर्म में है, वो लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। अब देख हम सारे मैचेस विल गो इन अ वन वे, वील विन लगातार लगातार वन गो। हाँ हाँ, देख लिया था उस दिन जब दिल्ली के साथ ही मैच थी बैंगलोर की, बस उस दिन इनके कोहली जी फॉर्म में आ गए थे और वो अकेले ही चले, बाकी पूरी टीम इनके फॉर्म में तो ऑफ फॉर्म में चली गई। अरे भैया तो क्या हुआ, बिल्कुल जीतेगी इस बार बैंगलोर, देखना कसम उड़ान छलेगी, इस बार जीतेगी बैंगलोर। क्योंकि एक बात कहूँ आपको कि किस्मत खराब होती है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है ना। अब देखिए वो लौंडा जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है, वो पडिकल, हाँ लड़के का नाम अजीब सा है लेकिन खेलता बहुत तगड़ा है, अगर वो तगड़ा खेल गया ना तो लान उठ जाएंगे, गर्दा हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल में जाएंगे इस बार, पडिकल तो परफॉर्म कर ही रहा है, बट सिर्फ पडिकल नहीं है, एबीडी विलियर्स, लुक एट हिम क्या परफॉर्म कर रहा है, आज भी देख लो ना, घुमा घुमा के लप्पे मारेगा ऐसा स्टेडियम के बाहर, अबू धाबी से बॉल अगर ईडन गार्डन्स नहीं पहुंची तो नाम बदल देना मेरा, नेम चेंज। अरे वो तो देख लेंगे कि बॉल ईडन गार्डन्स जाता है या सीधा बैंगलोर जाता है। ये मत बोलो भाई कि मॉर्गन हमारे टीम में, और उस दिन ना मॉर्गन की बैटिंग से हमने 200 रन के ऊपर का टारगेट ऑलमोस्ट चेस कर दिया था, बस इतने से रह गए, समझ रहे हो ना फॉर्म क्या है टीम की। भैया ऐसी बात करते हो आप, एक बात सोचिए, एक बात बताइए हमको कि जब तक उका है, का नाम उसका मुर्गन है, मुर्गन जो है जब वो आउट हो जाता है तो आई यो है, ऐसी हो जाती है ना बात। अब क्या है कि मुर्गन आउट तो आगे कार्तिक हो गया वो, और वो क्या है मसल रसल 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 रसल, वो लौंडे भी खेल नहीं पाते फिर मुर्गन के जाने के बाद। हाँ देखो भैया हम मान रहे कि जो बॉलर है ना बॉलर, वो बॉलर मान गए कि तुम्हारी टीम के ठीक है ससुर, लेकिन भाई एक बार बताओ इतने अच्छे होते तो उस दिन वो दिल्ली के खिलाफ खेले थे, 200 कितना रन बना था वो, 228 कुछ ऐसा रन बना था, उतने रन क्यों मरवा दिए फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, देखो बॉलर्स भी ना इनके देख के निकलते हैं, इनकी बॉलिंग जो है बाकी टीम को देख के निकलती है। हमारे बॉलर्स को देखो, जैम्पा, चहल, सुंदर
और कौन कौन है अपने? अरे वाह क्या बात है, देखिए देख भाई सारे यंग प्लेयर्स हैं, सारे फॉर्म में है, सैनी नमन सैनी वो भी है, सब फॉर्म में यार। देखिए भैया ये बात तो माननी पड़ेगी आपकी कि वो जो है वो वाशिंगटन से आया सुंदर, वो वाशिंगटन सुंदर जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, लेकिन बाकी और जो है खेल। अब एक बात बताइए, फिर भी बंगलुरु की टीम में फिर भी मेरे को दम लगता है थोड़ा कि इस बार है थोड़ा दम उनमें, लेकिन एक वो कोलकाता की टीम में कहा है कहा भालो भाई दादा कुछ ना ही है, कुछ ना ही है, मोची है मोची। और देखिए अगर इतना ही होता हो तो शाहरुख खान का साला पैसा डुबो रहे हैं भाई। तू तो ऐसे कह रहे जैसे तेरे खुद के जेब से पैसे लगे हो कोलकाता की टीम पे। और सुन भाई भंडारी, ये जो रसल और नरिन की बात कर रहे हो ना तुम लोग, ये अभी फॉर्म में नहीं है। वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं बहुत सारे टीम के जो फॉर्म में नहीं है, वैसे एक बार फॉर्म में आ जाए ये दोनों अकेले ही मिलके छक्के छुड़ा देनी है पूरी। फॉर्म में आने दो, इस सीजन में तो आएंगे ना। अब इनके कैप्टन को देखो यार क्या कर रहा है, हर जगह बस यही बोल रहा है कि ये मैं कर लेता हूँ आप जाकर टीम बनाओ, ये मैं कर लेता हूँ आप जाकर टीम बनाओ, टीम बनाते बनाते क्या कर रहा है, खुद तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। मेरे को पुसंटी है पुसंटी। देखिए भैया बात एकदम 100% की बोले हुआ कहा है भैया जी कि इनका जो वो कैप्टन है ना डीके, उसको मिस्टर डीके को बदल देना चाहिए और उसकी जगह मुर्गन को कैप्टनशिप देनी चाहिए, क्योंकि मुर्गन जो है बहुत बढ़िया प्लेयर है, क्या पता थोड़ी किस्मत बदल जाए बेचारों की। अरे भंडारी तू फिर ज्ञान देने लग गया। सुन मैं तुम लोगों को बताता हूँ पिछले दिन क्या हुआ था, पिछले दिन क्या हुआ था। अरे भैया इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है आप एक काम कीजिए, आप स्पोर्ट्स फ्लैशेस की जो ऐप है ना फैंटेसी ऐप स्पॉटी जैकपॉट, उसको डाउनलोड कर लीजिए ठीक है, और ढेरों पैसा कमाइए ढेरों जीतिए, और हाँ यूं ही हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और मजा लेते रहिए।